मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, जल्दी से अपनी बुक खोलो और 42 पेज नंबर पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एड एंड्स एंड फाइंड द सम, चेंज द ऑर्डर ऑफ एड एंड्स एंड अगेन फाइंड द सम, ठीक है। अब देखो, आपको करना क्या है, ये 67 नंबर है उसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और 20 को यहाँ लिख देंगे। अब देखो, ये एरो है ना, ये वाला, ये फर्स्ट वाला एरो कहाँ पे आ रहा है, ये नीचे वाले पे। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर था ना अपना 67, उसको नीचे लिख दो, ठीक है। एंड 20 वाला एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो 20 को ऊपर। यानी कि अपन को क्या करना है, जो पहले नंबर यहाँ पे था उसको यहाँ नीचे लिखना है और जो नीचे था उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। अब एडिशन कर दो, 7 + 0 कितने होते हैं। जब भी किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया जाता है, किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। सपोज करो आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मैंने उसमें से आपको जीरो और दे दी, ठीक है, तो आपके पास कितनी हुई, 7 ही तो हुई है ना, तो आपका आंसर होगा 7, ठीक है। अब आपके पास सपोज करो 6 हैं और मैंने आपको 2 और दे दी, 6 हैं 2 दे दी तो 7 और 8, ठीक है, कितनी हो गई, 8, ओके। इसी तरह से अब जीरो में 7 ऐड करेंगे तो जीरो में कुछ भी ऐड करो, अकेले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7, ठीक है। अब 6 + 2 कितने हैं, 8, ठीक है। अब देखो, 56 और 25, 56 यहाँ पे लिख दिया हमने और 25 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ लिख दो एंड ऊपर वाला नंबर ये वाला यहाँ लिख दो, 56, ठीक है। 6 + 5 कितने होते हैं, 11, कितने होते हैं, 11, 11 का 1 यहाँ पे एंड कैरी यहाँ पे, ठीक है। अब 1 + 5 = 6, 6 + 2 = 8, ठीक है। इसी तरह से 5 + 6 = 11, कैरी 1, 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8। यानी कि हमने तो नंबर को चेंज किया है, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे आना है, ठीक है। नंबर को ऊपर या नीचे करने से उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 81। अब हमने इसको चेंज किया तो भी इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, 21, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, ठीक है, 76 और 9। अब ये 9 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, एंड यहाँ पे 76। देखो, जो वंस वाले प्लेस पर नंबर है ना, वो वंस वाले प्लेस पर ही आएगा, ठीक है। जो टेंस वाले प्लेस पर है वो टेंस वाले प्लेस पर ही आएगा। 9 + 6 कितने होते हैं, 9 के बाद 6 कितने होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। 7 + 1 कितने होते हैं, 8। अब इसी तरह से 9 के बाद 6, ठीक है, 9 के बाद 6 हो गया आपका वही 15, ओके, 15, उसके बाद कैरी 1, 1 + 7 = 8। देखो, सेम आंसर है, 85, 85। अब देखो, ये जो डी क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है, बस एक क्वेश्चन है वो आपको करना है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।